20 अक्टूबर तक आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की ओर से खेलते हुए 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाकर देश का नाम रोशन करने वाले कुणाल कुमार से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गणपत साहेब महाविद्यालय में, जहां पर 2 दिवसीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो है ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है और यहां पर कई जनपद के खिलाड़ी किक बॉक्सिंग में यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। और इसी में आपको बताते चले कि 15 से 23 अक्टूबर में इटली में आयोजित किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हमारे गोरखपुर के कुणाल कुमार जी ने ब्रांज मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है। और आज इस 2 दिवसीय किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कैंप में वो यहाँ पर गोरखपुर से आज सुल्तानपुर आए हुए हैं। मैं उनसे जो है परिचय करना चाहूँगा। कुणाल जी, पूरा क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल कुमार नाम है। अच्छा, गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं। ये कब से आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पर किक बॉक्सिंग का आप ये खेल रहे हैं जो है कब से? मैं तो 2014 से प्रैक्टिस सीख रहा हूँ। अच्छा, तो ये इटली में कितनी तारीख को प्रतियोगिता थी? इटली में 15 से 23 अक्टूबर तक। अच्छा, 15 से 23 अक्टूबर। इसमें जो है कितने लोगों ने भारत से पार्टिसिपेट किया था? भारत से तो 23 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सिर्फ मेरा ही मेडल है। अच्छा, जिसमें आपको ही जो है। तो आगे आपका और क्या इरादा है? जब आपने ब्रांज मेडल वहाँ से जीत के आए हैं तो माँ बाप आपके लिए खुश हुए होंगे, कैसा लग रहा है आपको जो है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि देश के लिए मैं खेला और मेडल भी जीता। आगे आप क्या अपनी जो प्रतिभा को अपने तक ही सीमित रखेंगे या और बच्चों को भी आप चाहेंगे कि वो भारत का जो है परचम अन्य देशों में आपके ही तरह जाकर के लहराएं जो है? जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम मेरा टूर्नामेंट है थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं उसमें गोल्ड मेडल मेरा जीतने का लक्ष्य है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ओलंपिक में खेलूँगा। अच्छा, तो आपने जो है कहते कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं भी 12th पास किया हूँ और बी ए में एडमिशन। अच्छा, 12th तक आपने पास किया है जो है और बी ए में एडमिशन लेने जा रहा है। ये देखिए, ये कुणाल जी ने अभी बताया कि उन्होंने जो है 12th की परीक्षा पास की है और उसके बाद वो स्नातक की तैयारी कर रहे हैं और आगे उनका भी ये प्रयास है कि वो अपने स्तर से जो बच्चे किक बॉक्सिंग में आगे आना चाहते हैं वो उनको ट्रेनिंग दें और उनको भी जो है आगे आने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो है भारत का जो है परचम वर्ल्ड लेवल पर लहराएं, इसके उनका पूरा प्रयास है। मैं रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सुल्तानपुर।